मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसी के कृष्ण बंधन के साथ हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इसी का अनुवाद है, हे कृष्ण तेरे होठ मधुर हैं, मुख भी मधुर, तेरे नैन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। मेरे प्यारे भक्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। शायद सबको नहीं पता होगा, लेकिन भगवान विष्णु का कहीं भी जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ, ईश्वर प्रकट होते हैं, उसका प्रमाण के साथ आपको बताता हूँ। रामचंद्र जी का भी है भय प्रकट कृपाला, और कृष्ण भगवान का भी है। उपदेश प्रेरित जगत गीता ज्ञान अर्जुन केशवम, अवतार जगदाधार नव उत्थान संत सनातनम, क्षितिशेष पद्मा पद्म करगद शंख चक्र सुदर्शनम, मतिभ्रमित भौतिक भोग भव अनुरक्त मन कामानेनम, चिरभक्ति सर्व समर्पितम उद्घोष जय जगदीश्वरम, प्रतिश्वास हृदय सुवास हो दृग्दर्श हे करुणाकरम, मम मुदित मन मंदिर बसो हे सतत श्यामा श्यामलम, सद्बुद्धि संगति प्राय हो उद्धार भक्त सुवत्सलम, योगेश्वरम सर्वेश्वरम राधे रमण ब्रजभूषणम, हे माधवम मधुसूदनम जय जयति जय नारायणम। कृष्ण भगवान का भी ये अवतार हुआ, और जैसे शंख चक्र गदा पद्म लिए ये अवतरित हुए, और इस श्लोक से आपको सही चित्रण मिल गया होगा कि भगवान का कोई जन्म नहीं बल्कि अवतार होता है, क्योंकि भगवान तो हर जन्म में है। इसी तरह से प्रसंग आता है श्री राम चरित मानस में भी, रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहदुई कर जोरी अस्तुति तोरी केविध करम अनंता, माया गुण गाना तीत माना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भय श्री कंता। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, और ये कृष्ण हो या भगवान हो, दोनों विष्णु के प्रतिरूप हैं, और ये जैसे अपने हाथों में सारे आयुध लेकर अवतरित हुए, और इनके मुख में दांत पूरे दांत, और वेद पुराण भनंता मतलब वेद और पुराण के बहुत ही प्रचंड जानकार, जिसको भ्रमर जैसे गुंजन करता है इस तरह से उनको कंठस्थ याद और उनके सारे श्रुतियां याद है। इस तरह से ऐसे विष्णु रूपी भगवान का स्मरण करते हुए ये देखिए प्रकट हुए हमारे कृष्ण भगवान, मथुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। इस चित्र और वीडियो के माध्यम से मैं हर जगह की प्रस्तुत झांकियों को दिखाने का कोशिश किया। मथुरा से लाइव एस्कॉन टेम्पल, द्वारका से लाइव ये देखिए शेषनाग, नागवासुकी का स्वरूप, और ये झांकिया ये मथुरा का प्रेम मंदिर का दृश्य भव्य झांकिया प्रस्तुत करते हुए, और ये महाराष्ट्र से सजीव चित्रण झांकी के रूप में, ऐसे लगता है कि ये मूर्तियां कुछ अपने आप में सब कुछ व्यक्त कर रही हैं। कृष्ण का जन्मोत्सव का इतना सुंदर चित्रण शायद ही मिले आपको। बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हुए यहाँ लोग नाचते गाते और श्री कृष्ण जन्म का आनंद उठाते। ये देखिए पूरे पर्वत को ही कृष्ण भगवान के साथ ग्वालों ने उठा लिया। ये रास लीला करते हुए कृष्ण भगवान, और सावन में जिस तरह से झूले होते हैं उस तरह से झूलते हुए उसका चित्रण का यहाँ पर बहुत ही सुशोभित हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अपार भीड़ जन समुदाय आरती के समय अपने घरों में भी और मंदिर में भी भजन कीर्तन करते हुए, ये देखिए भगवान कृष्ण के प्रकट होते ही भगवान कृष्ण की आरती का लाइव दृश्य, ऐसा संयोग सबको नहीं मिलता। इसलिए YouTube के माध्यम से आपके सामने इसका आशीर्वाद लेने के लिए प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। आशा है ये देखिए कमल से प्रकट हुए भगवान, और भगवान कृष्ण का दही से, दूध से, घी से, घी को जैसे अमृत माना हुआ है, दही को अमृत माना हुआ है, और दूध स्वच्छता का प्रमाण है, सशक्तिकरण का प्रमाण है, और शहद से इनका स्नान कराते हुए पुजारीगण और मुख्य पुजारीगण, मथुरा वृंदावन का ये साक्षात दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आशा है ये हमारी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही समापन चाहते हैं। प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।